नोटबंदी के समय से अब तक काम का तनाव झेलने के बाद आयकर विभाग और आयकर विभाग बार एसोसिएशन के अधिकारियों ने तनाव मुक्त होने के लिए फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह स्टेडियम में 2020 मैच खेला। क्रिकेट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आयकर विभाग बार एसोसिएशन की टीम ने 176 रन का लक्ष्य रखा, जिसे आयकर विभाग टीम के अधिकारियों ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर पूरा कर लिया। मैच बड़े ही रोचक तरीके और भाईचारे के साथ खेला गया, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों ने दर्शक ही नहीं बल्कि चीयर्स लीडर की भूमिका निभाते हुए जमकर डांस किया। मैच को समाप्त पर आयकर विभाग की टीम विभाग के CIA ने विजेता कप भेंट किया और मैच में मैन ऑफ द मैच रहे जितेंद्र को भी सम्मानित किया गया। जीत को लेकर आयकर विभाग टीम के कप्तान और अधिकारी ने बताया कि वह पिछले कई महीने से मैच खेलने की भूमिका बना रहे हैं, मगर काम के भार के चलते यहाँ समय पर नहीं मिल पा रहा था। आखिर में उन्होंने समय मिला जिसमें उन्होंने जमकर क्रिकेट खेली है, जिसमें हमारे ऊपर रहने वाले मानसिक तनाव को भी मुक्ति मिली है। अब वो पहले से बेहतर राहत महसूस कर रहे हैं। सर, नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मनु मलिक हूँ मैं, CIT अपील फरीदाबाद। आज ये मैच हुआ है, किस तरह का रेस्पॉन्स रहा है इसको और इस तरह के मैच से क्या फ़ायदा होता है आमतौर पर? एक बड़े इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर बार और बेंच की मुलाकात होती है, नहीं तो दफ्तर में एक बड़ा फॉर्मल माहौल रहता है, तो हेयर यू गेट टू नो पीपल बेटर और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की फीलिंग बढ़ती है और भाईचारा कह लीजिए, एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ती है। तो बहुत ही अच्छा रहा, मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा, दोनों तरफ की टीम्स ने बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहा, तो एक्साइटिंग मैच देख के बहुत बढ़िया। तो क्या क्या चीज़ इसमें ज़्यादा खास लगी आपको? मैच जब आप देख रहे थे पूरा का पूरा बड़ा रोमांचक हो गया था अंत तक, उसमें क्या खास लगा आपको? सब कुछ ही खास लगा। चीयर लीडर बहुत खास थे, प्लेयर्स बहुत खास थे और डिपार्टमेंट की तरफ से, फिट बार की तरफ से बड़ा एंथुजियाज्म था और मैच रोमांचक रहा, जैसे आपने देखा ही होगा। तो बहुत अच्छी फीलिंग रही। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, लगातार फाइलों में अटके रहते हैं और जो नोटबंदी के बाद से माहौल बना है वो तो बड़ा टेंस वाला माहौल है एक तरह से आप लोगों के लिए भी, तो कितना रिलैक्स महसूस करेंगे इसके बाद? सभी के लिए टेंस माहौल रहा है, तो बाहर आके गेम खेल के डेफिनेटली इट्स ऑलवेज रिलैक्सिंग, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। मैं JK गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, इनकम टैक्स ऑफिसर, पिछले करीब 6 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और अभी साल भर पहले ऑन ट्रांसफ़र मैंने वापस ज्वाइन किया है यहाँ। तो आज का जो मैच है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फरीदाबाद और फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, जिसमें कि एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट सामूहिक रूप से सम्मिलित हैं, उनके बीच हुआ, जिसका परिणाम आपके सामने है। यह मैच पिछले 2-3 महीने से पोस्टपोन होता जा रहा था ड्यू टू टाइम बारिंग काम और जो हमारी लिमिटेशन वर्क है उसकी वजह से, और हमारे ऊपर जितना प्रेशर है काम का उसकी वजह से। उसमें सामूहिक तौर पर जो है एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत बिजी थे और 31 दिसंबर को हमारा टाइम लिमिटेशन काम था, तो उसकी वजह से मैच जो है फरवरी में और मार्च में पोस्टपोन हुआ। जी, नतीजा क्या रहा है इस मैच का? आप ही बताइए। नतीजा हमारा डिपार्टमेंट बार एसोसिएशन से 8 विकेट से ये मैच जीत गया, सॉरी 7 विकेट से ये मैच जीत गया है। लास्ट ओवर तक ये मैच खींचा, 20-20 ओवर का ये मैच था, तो लास्ट ओवर तक ये मैच खींचा और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी सामूहिक हमारी सारी टीम का है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जितेंद्र जो कि सीनियर टैक्स असिस्टेंट है, जो मेरे ही साथ पोस्टेड है कमिश्नर ऑफिस में, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उसने अकेले ने जो है 72 रन बनाए और मैच को विनिंग स्थिति लास्ट ओवर तक वो खड़े रहे, तो मैच को विनिंग स्थिति में पहुंचाने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके साथ साथ ही बैटिंग में प्रमोद पाल जी का, जो हमारे आयकर अधिकारी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान।